गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में संगठन की महिलाएं कोतवाली बिंदकी पहुंची। महिला उत्पीड़न के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए आवाज बुलंद की। कोतवाल बिंदकी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित करते हुए समस्याओं के अतिशीघ्र निवारण किए जाने हेतु पुरजोर मांग की। अध्यक्ष हेमलता पटेल ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं एवं बेटियों से दुष्कर्म, रेप, हत्या व उत्पीड़न की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। महिला सुरक्षा हेतु शासन एवं प्रशासन के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। महिलाओं और बेटियों में खौफ का माहौल है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। जनपद में तो महिला सुरक्षा की हालत बेहद गंभीर है। आए दिन महिला उत्पीड़न की छोटी छोटी बच्चियों से दुराचार की अमानवीय घटनाएं सामने आ रही है। अपराधी बेखौफ है और आए दिन अमानवीय घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हमारी यह मांग है कि महिलाओं एवं बेटियों पर हो रहे उत्पीड़न के विरुद्ध कठोरतम कदम उठाए जाए, दुराचार संबंधित मामले का त्वरित निस्तारण करके कार्रवाई की जाए एवं पीड़िताओं को न्याय मिलने तक उनकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इन्हीं प्रमुख मांगों को लेकर आज हमने कोतवाली बिंदकी में प्रदर्शन करके कोतवाल महोदय के द्वारा महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित करके समस्याओं के अतिशीघ्र निवारण किए जाने हेतु पुरजोर मांग की है। हमें आशा है कि महिला उत्पीड़न की गंभीर समस्याओं के निराकरण हेतु ठोस कदम उठाए जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हम बृहद आंदोलन हेतु बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की स्वयं होगी। इस दौरान सीमा, कमला, कोमल, पिंकी आदि महिलाएं मौजूद रहीं। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की मैं अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ बिंदकी कोतवाली में 6 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ है, तो उसी मामले को लेकर के हम आए हैं। जिले में आए दिन रेप बढ़ रहे हैं, महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। यहाँ कोतवाली में थाने में महिलाओं की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। महिलाएं आती हैं तो उनको उल्टे पांव भगा दिया जाता है, बार बार उनको लौटाला जाता है। तो हमारा संगठन और हम बिल्कुल तत्पर हैं इनकी लड़ाई लड़ने के लिए। आए दिन महिलाओं की हत्या हो रही है, बेटियों का रेप हो रहे हैं। हमारे फतेहपुर जिले में बहुत ज्यादा उत्पीड़न बढ़ा हुआ है। उत्पीड़न, आए दिन बेटियों के रेप, आए दिन छेड़खानी। आज महिला सुरक्षित नहीं है, यूपी में महिला सुरक्षित नहीं है। सारी महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि योगी जी, मोदी जी तो नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे।